भाई उस्ताद ने जो खत्म नबूवत के बारे में बताया, क्या आपको मालूम है? नहीं भाई, मैंने बस इतना सुना कि हमें खत्म नबूवत के लिए काम करना होगा। आपका ध्यान किधर था जब उस्ताद बता रहे थे? तो तुम क्या सो रहे थे? लड़िए मत, अगर आपको जानना है तो सात भाई से पूछ ले। अरे हाँ चले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई आप हमें वहीं छोड़ आए? सॉरी भाई, हमें आपसे कुछ पूछना था। कहिए क्या जानना है आपको? भाई ये खत्म नबूवत क्या है? हाँ भाई, हमें ये जानना है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है और हर मुसलमान को ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई? हाँ, खत्मे नबूवत से मुराद है इस बात को दिल से तस्लीम करना के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ भाई, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये तो हर मुसलमान को पता है। हाँ, पर हमारे उस्ताद ने कहा है कि हमें खत्म नबूवत के लिए काम करना होगा, इसका क्या मतलब है? तो क्या इस अकीदे के कोई दुश्मन होंगे? हाँ बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुश्मनों के बारे में फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। क्या भाई, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और कुरान की तकरीबन 100 आयत अकीदे खत्म नबूवत पर दलालत करती है। फिर भाई ये झूठे लोग किस तरह ये दावा कर सकते हैं? ये वो बदबख्त लोग हैं जो चंद दुनियावी ख्वाहिशात के लिए झूठे दावे करते हैं। वो कौन है भाई? ये झूठे लोग मुस्लिमा, असदुंसी, बहरुल्ला, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सिद्दीक दीनदार, शकील बिन हनीफ, फैयाज बाबा और भी कुछ लोग हैं, और इनके मानने वाले काफिर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद ने सही कहा था, हमें खत्म नबूवत के लिए काम करना होगा। हाँ भाई बिल्कुल, हमें अकीदा खत्म नबूवत के बारे में सबको बताना होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, ताकि गफलत में हमारे मुसलमान भाई और बहनें इन झूठों की बातों में ना आए। जी भाई, हम भी अकीदा खत्म नबूवत का काम करेंगे। और मैं भी इंशाअल्लाह। देखो बच्चों।